स्वर्गीय रामजी मौर्य राहुल के पक्ष चिन्हों पर चलते हुए समाजवादी नेता अभिषेक मौर्य सोनू विधानसभा 186 अमेठी की जनता की सेवा के लिए वचनबद्ध हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अमेठी जिले की जायज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अहमद अली को गिरफ्तार किया। अहमद अली के पास से 32 किलोग्राम गौमांस और 1830 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। अमेठी में रात करीब 2 बजे शॉर्ट सर्किट से भारतीय स्टेट बैंक की शाखा तिलोई में आग लग गई। आग लगने से सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश में एक शिक्षक पर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में घायल हुए शिक्षक और प्रधान प्रतिनिधि राजू तिवारी को CSC तिलोई में भर्ती कराया गया है। अमेठी जिले के शिवरतनगंज थाना इलाके के कोटवा ग्राम सभा में एक महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में खुदकुशी कर ली। वहीं महिला का पति जबरन उसकी लाश को अपने गांव सिरियावा ले गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बाराबंकी पुलिस ने एक अंतर जनपदीय ऑटो लिफ्टर गिरोह के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 13 बाइकें बरामद की हैं। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह भीड़ भाड़ वाले इलाकों में वारदात को अंजाम दिया करता था। बाराबंकी में कोठी थाना क्षेत्र के ग्राम दूल्हीपुर में अर्चना नाम की नवविवाहिता का शव उसी की ससुराल ने फंदे से लटकता मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बलरामपुर जिले में उतरौला कोतवाली के नगर कोतवाल विपुल कुमार पांडे ने लवकुश वर्मा और रामचंद्र को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास देसी तमंचा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बलरामपुर जिले के उतरौला पुलिस ने 2 हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा समेत एक जिंदा कारतूस और हत्या के लिए ले जा रहे गौवंश को बरामद किया है। बहराइच में थाना रुपैड़िया पुलिस ने निजामुद्दीन नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया है। निजामुद्दीन के पास एक देसी तमंचा, 12 बोर और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। चंदौली में थाना धानापुर प्रभारी पर फरियादी महिला को थाने से बैरंग लौटाने का आरोप लगा है। दरअसल फरियादी महिला का पड़ोसी से रास्ते को लेकर विवाद हो गया था, जिस पर थाना अध्यक्ष ने महिला को रास्ता ही बदलने की नसीहत दे डाली है। बदायूं जिले के बिसौली इलाके में मौजूद पंजाब नेशनल बैंक की शाखा मैनेजर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गायब रहे। वो झंडा फहराने तक भी नहीं पहुंचे, लिहाजा बैंक के 2 कर्मचारियों ने झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारी ये खबरें फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे थे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार।